मथुरा में लोकसभा चुनाव दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है, जिसमें जहां कई बड़ी पार्टियों के नेता चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं, वहीं कुछ इस तरह की निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कि अपना जीत कर सांसद बनने का दम भर रहे हैं। उन्हीं में एक है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के नेता रहे योगेश तालान, जो कि इस समय कांग्रेस से बगावत करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने को मैदान में उतर चुके हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने रोलर चुनाव चिन्ह दिया है। जबकि उन्होंने आज यमुना मैया का पूजन करते हुए अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है, जिसमें पहले यमुना मैया का विधि विधान के साथ पूजन किया और फिर आरती करते हुए चुनरी भी उड़ाई है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें प्रचार शुरू कर दिया। जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी योगेश तालान ने कहा कि जिससे यमुना मैया की आज ये दुर्दशा है उसे देखकर मैं काफी व्यथित हूं। वहीं उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को भी साफ करने की जरूरत है, उसमें भी कुछ इसी तरह के लोग हैं जो कि उन्हें देख बिना ही प्रत्याशी बिना दे दिया जाता है, जबकि हम अपने चुनावी वादों को याद करके आगे भी ब्रजवासियों की सेवा करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि सांसद हेमा मालिनी तो फिल्मी है और फिल्मी लोग विकास कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिल्म और हकीकत में काफी फर्क होता है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस से बगावत के सवाल पर बोला कि हम तो पहले से यहाँ की सेवा करते रहे हैं। यमुना मैया ने जो मुझे चुनाव चिन्ह दिया है रोड रोलर, इस बात का संकेत है कि इस रोड रोलर को मैं पूरे क्षेत्र में घुमाकर पूरे क्षेत्र को विकास की नदियां से बहाकर ओत प्रोत कर दूं। क्या आप मुद्दे लेकर के जनता के बीच में पहुंची? देखो, मुद्दा की कोई कमी ना है, बचपन से लेके अब तक मुद्दा ही मुद्दा झेले हैं, तो मैं अच्छी तरह जानूं वो मथुरा के लिए क्या करना। जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हेमा मालिनी और एक तरफ से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कैसे उनका मुकाबला करेंगे? देखिए, भाजपा के प्रत्याशी जो होते हैं वो फिल्मी होते हैं, आप सबको पता है कि भाई फिल्मन को कहाँ रोल है, वो टीवी में और सिनेमा हॉल की दुनिया है, उनको जो वास्तविक दुनिया है वाते कोई मतलब ना है। आज मथुरा के 10 साल से जो पीड़ा है उसको हर आदमी समझ गया है और हर आदमी उस पीड़ा से व्यथित है कि ना तो कोई अपने सांसद को देख सकता है ना अपने सांसद से कोई मिल सकता है, फिल्मन में ही देखे हुआ है। क्या इस चुनाव में भारी भीतरी रहेगा? देखिए, भारी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल की बात है, ये पूरे क्षेत्र के विकास की बात है, इसमें एक भारतीयता होनी चाहिए। तालान जी, अगर बात की जाती है यहाँ पर हर बार जब भी चुनाव होता है विधानसभा यहाँ आके यमुना मैया को जो शुद्धिकरण का संकल्प लेके जाते हैं फिर उसके बाद भूल जाती है, क्या आपको याद रहेगा या संकल्प? देखिए, संकल्प वो होना चाहिए जिसको आदमी अपना तन मन धन सर्वस न्यौछावर करके भी पूरा करे। प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो जो लोग अपने बचनों के साथ में धोखा करते हैं वो जनता के साथ भी धोखा करेंगे, ये निश्चित है।